वेलकम एंड स्वागत दोस्तों आप सभी का आज के इस नए एक खूबसूरत बाग के ब्लॉग के साथ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली में मौजूद रोशन आरा बाग और मकबरे को, ये मेन गेट यहाँ से इसकी रोशन आरा बाग की एंट्री, क्या कुछ अंदर है देखते हैं। पहले वॉक ओवर मेन गेट, क्या खूबसूरत नक्काशी है। नेचुरल फल और सब्जियों से बनाए हुए पेंट के ज़रिए एक खूबसूरत मीनाकारी और नक्काशी का बेहतरीन नमूना इस गेट के बचे हुए कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर तो इसके मसाले और ऊपर के प्लास्टर्स झड़ चुके हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन जो बचे हुए हैं थोड़े से टुकड़े, उससे इस बुलंद इमारत की और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना ही खूबसूरत उस दौर में बनाया गया होगा। चलिए मज़े लेते हैं आगे। ये मेन गेट से अंदर इंटर आते ही एक झरना जो वीरान बना पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये लाहौरी ईंट से बना हुआ, चारों तरफ उसके पार्क, मुगलों के चार शैली, चार बाग बने रहे, खूबसूरत ब्लॉग देखने को मिलेगा। आइए मेरे साथ चले। चलिए अंदर देखते हैं क्या कुछ स्पेशल है। ये हम आ गए दोस्तों रोशन आरा के मकबरे पे। रोशन आरा शाहजहां की दूसरी बेटी थी और शाहजहां ने ये बाग रोशन आरा के लिए बनाया था 1650 में। इत्तेफाक से 1650 में जब ये बना तो रोशन आरा ने ख़ुद के लिए यहाँ पे एक मकबरा भी बनवा लिया था और 1671 में रोशन आरा की डेथ हो गई और रोशन आरा को यहाँ पे दफन किया गया और ये मकबरा बना। इसके चारों तरफ मुगलों का वही पुराना पैटर्न, चार बाग शैली में बना हुआ बाग, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा बाग है, दिल्ली का सबसे बड़ा गार्डन है। चलिए अंदर देखते हैं और इसके खूबसूरती को, इसके आर्किटेक्ट को और इसके डिजाइनिंग को कैद करते हैं और पहुंचाते हैं आप तक ताकि आप भी अपने घर बैठे
खूबसूरत से पार्क बारादरी और मकबरे को देख पाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हो पाए। यह हमारा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है ये दिल्ली के अंदर। आइए चलते हैं अंदर। ये चारों तरफ का नज़ारा, एक गुंबदनुमा छतरी चार पिलरों वाली चारों कोने पे, ये डबल स्टोरेज, ये बीच का मेहराब, तीन दर, ये बीच का पहला सहन। खूबसूरत नक्काशी, बेहतरीन। वाइट पेंट, जमाने में चूना पत्थर का पेंट हुआ करता था, इसके ऊपर ये देखिए डिजाइनिंग, फ्लावरिंग। और ये बीच में रोशन आरा का मकबरा, रोशन आरा कब्र, कच्ची है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ इसका चौखट और इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, ये कच्ची कब्र। और कमाल की बात तो ये कि इसके ऊपर छत नहीं है, ओपन टू स्काई, दिस इज अ यूनिक थिंग। ये सिर्फ औरंगजेब की खबर ऐसी है कच्ची जिसके ऊपर छत नहीं है, और दूसरी एक ये रोशन आ रहा है कि ये है दोस्तों रोशन आ रहा की खबर। खूबसूरत जालियां, बेहतरीन नक्काशी और बेहतरीन डिज़ाइनिंग पेंट, उस ज़माने का पेंट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल पेंट तो होता नहीं था, नेचुरल उस पर बनाया जाता था फूल पत्तियों से और उन चीज़ों से। और ये इसके चारों तरफ डबल वरंडा, चारों कॉर्नर पे डबल स्टोरेज कमरे, बहुत खस्ता हाल कंडीशन में है। एएसआई को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सब हमारे धरोहर हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए, इनको रिपेयर किया जाए, इनको मेंटेन किया जाए। लोकल लोगों के गैम्बलिंग का और बच्चों के खेलने का एक अड्डा बना हुआ है जिससे और भी धरोहर डैमेज हो रहा है। चलिए दोस्तों एक छोटा सा वॉक ओवर लेते हैं इस मकबरे के चारों तरफ। बच्चों के खेलने की वजह से काफ़ी शोर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ऑडियो को,
प्लीज़ इसे इग्नोर करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं था कि मैं रोक पाऊँ इन लोगों को, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है मैं उसको फिल्टर कर पाऊँ और इग्नोर कर पाऊँ इनके वॉइसेस और इनके शोर को। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के और भी वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहेंगे, जो भी मैं देखूंगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। शाहजहां की ये दूसरी या तीसरी बेटी थी, कंट्रोवर्सी है, कहीं पे दूसरी कहीं पे तीसरी बताया जाता है। एनीवेज शाहजहां की बेटी थी और औरंगज़ेब की ये बहन थी, और औरंगज़ेब की ये लीगल पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थी। शी वॉज़ द फर्स्ट लेडी इन मुग़ल एम्पायर जो पॉलिटिक्स में एक पावरफुल लेडी मानी जाती थी और होल्ड करती थी, और ये बहुत अच्छी एक पोएट भी थी। अपना ज़्यादातर वक्त इसी रोशन आरा बाग में गुजारा करती थी, इसलिए उनको ये बहुत पसंद था। और ये जो बारादरी है, बारादरी का मतलब हो गया कि 12 दर, तीन तीन दर, तीन एंट्रेंस इस मेन टॉम के चारों तरफ से है, तो 3:4 दैट इज 12, 12 दर यानी 12 एंट्रेंस, तो इसे बारादरी कहा गया। और 8 कमरे हैं चारों कॉर्नर पे बने हुए, बीच में रोशन आरा का वाइट मार्बल संगमरमर से बना हुआ एक खूबसूरत मकबरा, कच्ची कब्र, एक खूबसूरत बिल्डिंग, ये कंप्लीट वाइट बिल्डिंग हुआ करती थी, और इसके ऊपर खूबसूरत नेचुरल उस वक्त उस दौर के पेंट से घेरी गई डिज़ाइनें और मीनाकारी का एक बेहतरीन नमूना। जितनी खूबसूरत बिल्डिंगें हिंदुस्तान में मुग़लों के टाइम में बनी हैं, वो सबसे ज़्यादा बनी हैं शाहजहां के वक्त में। शाहजहां ने बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते थे। तो ये था दोस्तों छोटा सा सफ़र आज का रोशन आरा टॉम। ये एग्ज़िट गेट का इंटरनल पार्ट। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ कुछ नया देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए। हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं अगले सफ़र में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।